दिलीप से आगे चले उसको ट्वीट करने की जरूरत नहीं। और दिलीप का फाइल इधर ही काम से कल चला गया। डैशबोर्ड पे और सर को चाहिए कि आप ना जॉब पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। फ्रंट एंड पे भी करें बैक एंड पे भी करें। फ्रंट एंड में तो आपको कामयाब हो जाना चाहिए रिएक्ट में। HTML CSS JavaScript Bootstrap और एटलीस्ट रिएक्ट पे तो ग्रिप आपकी होनी चाहिए। ताकि जावास्क्रिप्ट जो है इसके कितना काम मतलब से वो कर सॉफ्टवेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट का है काम। अगर तो रिएक्ट वाली मरने वाली साइड पे जाना है रिएक्ट पे तो जावास्क्रिप्ट का काम है कि आपको उसको फंक्शन आने चाहिए। ES6 के मेथड सारे आने चाहिए। मैं फिल्टर रिड्यूस डीप स्ट्रक्चरिंग स्प्रेड ऑपरेटर ये सारी आनी चाहिए और सही आनी चाहिए क्योंकि रिएक्ट सारी उसी पे बनी हुई है। और अगर आप फ्रंट एंड कोर फ्रंट एंड जाने जा रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली साइड पे बूटस्ट्रैप के साथ तो फिर आपको टूप और DSA नहीं चाहिए। मतलब वो फिर इंटरव्यू उसी हिसाब से लेते हैं क्योंकि रिएक्ट ऑलरेडी कोड स्टार्ट करता है। वो ऊपो या DSA के लिए पूछने की इसकी टेक्निकल एबिलिटी कितनी है। अगर ES6 आती है तो वो आपका कोड पहले ही शॉर्ट होता है। उनको प्रोग्रामर ऐसा चाहिए जो ऑप्टिमाइज कोड लिखते हैं। ES6 का यही फायदा है कि वो ऑलरेडी कोड शॉर्ट। अब देखिए ना मैंने वो ये कार्ड बनाया। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बनाऊंगा HTML CSS JavaScript तो मुझे कितनी डेली बनानी पड़ेंगी जितने मेरे को ऑब्जेक्ट होंगे। और अगर एक में चेंज करनी पड़ी तो सामने चेंज करनी पड़ेगी मैनुअली। इधर हमने जब फेक डिजाइन बनाया जो 1 लाख कार्ड भी नहीं मेरा कोड भी 8 लाइन का ही होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और टारगेट करें आपने अगर मन का कोर्स कर रहे हैं तो भी ऐसे कुछ करें। पता नहीं आपके ग्रुप में मैंने शेयर नहीं किया कल जॉब आई हुई थी तकरीबन 3500 रिएक्ट डेवलपर करेंगे 2500 डेवलपर। मैं तो हम इतने कैसे पूरे करेंगे वो भी पेड इंटर्नशिप है 20,000 आई थिंक वो पे करेंगे। हाँ 3500। अब आप ग्रुप पे पता नहीं कौन सा है 2 ग्रुप है और मुझे तो लगता है पंजाब में भी 3500 रियल एस्टेट डेवलपर नहीं होंगे। ये 30 हज़ार है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। जब आपने कल को जिंदगी में सॉफ्टवेयर भी बनाना है ना तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होती है वो उनसे होती है पहली बात। और दूसरी बात जितने भी पंजाब के सॉफ्टवेयर हाउस है ना वो उनके अंडर आते हैं। हाँ
नहीं यार अब इंटर्नशिप ये है ही पे इंटर्नशिप है, ये है ही फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जो अभी अभी पढ़ गए हैं, और आप लोगों को तो कोडिंग भी चाहिए चलो तो बहुत ज्यादा नहीं तो काम एकदम मिड लेवल की तो एवरेज भी तो आती है। इस पे ट्राई करें मेरा ख्याल है सब का हो जाएगा। ये ग्रुप में देखे ना मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की सर जितने हमारे सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड होते हैं ना वो उस इदारे के होते हैं, मतलब उनके बगैर आप एक पैटर्न सॉफ्टवेयर हाउस नहीं बना सकते। और सर भी अभी नेट कनेक्ट होगा तो फिर नहीं तो मैं सिम से भेज देता हूँ कल जल्दी, इंटरनेट पता नहीं किस दिन चलेगा। वो तो मेरा भी नहीं, मैं इसलिए अपनी डाटा कनेक्शन से भेज दिया। मुझे तो कंपनी भी थोड़े बहुत अभी दे देती है वो हम अपने कौन सा रेट लगाते हैं मोबाइल, और ये सीम मोबाइल था भी तो नहीं देती, लेकिन वो हर बंदे को नहीं देती जो थोड़ा सा जरा अच्छी पोस्ट पे आ जाते हैं तो वो पे करते हैं। मुझे वो ना अगर आप डेवलपर है तो आप मेरा दूंगा आईफोन सही ना मैक का लैपटॉप ना आईफोन, अगर जब तक कि आपको 5-6 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा बता रहा हूँ, मिनट मिनट में चीजें कभी इधर शेयर कर रहे हैं ब्लूटूथ से कभी उधर कर रहे हैं वो तो आप पागल हो जाएंगे आईफोन बोल रहे अगर इसमें भी हो जाती है। हाँ ब्राउजर में टेस्ट करते हैं, ब्राउजर में सारे फोन होते हैं किस पे देखना है, आईपैड पे देखना है, सर्फर पे, ये आईफोन 12 मैच करो पे मोबाइल की भी जरूरत नहीं है, ये उन्होंने रिस्पॉन्स ही भी चेक करनी होती है ना तो ये चेक करवा दें। और वैसे भी अगर आपने डेवलपर बनना है ना तो आप क्योंकि जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो आप रिएक्ट नेटिव ही सीखेंगे, आप फ्लटर वाली साइड पे जाएंगे तो आपको नए तरीके का डार्ट सीखनी पड़ेगी, और रिएक्ट नेटिव अब तक सबसे बड़ी कम्युनिटी है क्रॉस प्लेटफॉर्म में, वो आप कोड लिखेंगे वो जो आपने एक कोड लिख दिया वो हर जगह ही करनी, चाहे वो एंड्रॉयड पे चलाएं चाहे मैक पे चलाएं चाहे लिनक्स पे चलाएं, वो उस कोड का कोई प्रॉब्लम आपको चेंज कुछ नहीं करना पड़ेगा। और रिएक्ट वेबसाइट के लिए और रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप के लिए, हाँ जी पहला तो यही फर्क आप देख रहे हैं। और यही है कि मोबाइल ऐप जो ये वाली होती है ना वेब ऐप ये मोबाइल ऐप ही होती है, इसको प्ले स्टोर पे ही जा सकते हैं और फिर उस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं होती है, जैसे आप एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर देते वो बनानी पड़ती है, वो नेटिव में बनी वो हर इसकी डिमांड अब आगे आप खुद सोचें कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। हाँ वेबसाइट हर बंदा तो यूज कर ही नहीं सकता, और उसके अगेंस्ट एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता उसको ये पता है कि मैंने अगर कोई ऐप डाउनलोड करनी तो प्ले स्टोर से कर मिनट में जाएगा डाउनलोड करके काम कर रहे, वेबसाइट थोड़ा सा तो नॉर्मल यानी लेवल से हट के हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते उसको, और वेबसाइट भी मोबाइल पर ही आ गई तो इसकी जगह आने वाले 5 सालों में 70-80% वेबसाइट भी मोबाइल ऐप में कन्वर्ट हो गई है। हाँ रिएक्ट का आपको ये फायदा है कि ये वेबसाइट नहीं बनाता ये वेब ऐप बनाता, वेब ऐप वेबसाइट और वेब ऐप में क्या फर्क है वो आपको पता होना चाहिए, वेबसाइट है जो ब्राउजर वगैरह डेस्कटॉप वगैरह पे चलती है, वेब ऐप है जो मोबाइल पे भी चलती है लेकिन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फेसबुक एक ऐप है, वेब ऐप है, वेबसाइट नहीं, वेबसाइट नहीं, रिएक्ट बनाती ही वेब है इसलिए तो इतनी मॉडर्न और फास्ट है।
आप बनाए जिधर मर्जी चलाए। हाँ वो PNY की वेबसाइट को अपग्रेड कर रहे हैं, वो रिएक्ट पे, टेलविंड पे, नेक्स्ट पे, तो हम जैसे इसका डेस्कटॉप वर्जन बनाएंगे, क्योंकि टेलविंड यूज कर रहे हैं तो वो खुद ही मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव है, टैब पे भी रिस्पॉन्सिव है। वो अच्छा, टेलवर्ड के साथ रिस्पॉन्स नहीं करनी पड़ती कोई भी चीज, जिसका भी होता है बहुत बढ़िया। उस टैब उसे थोड़ी सी ट्रिकी है, बल्कि टेलविंड के अंदर तो ज्यादा काम हो जाएगा। टेलविंड की जो मेन लाइब्रेरी हम इसको यूज कर रहे हैं फैंसी टेलविंड, ये वाली यूज करते हैं। टेलवेंट तो करनी करनी है, मतलब टेलवेंट तो मेन है, जैसे CSS मेन है ना, इस तरह टेलवेंट मेन आ गई है। टेलवेंट के अपने फ्रेमवर्क है, ज्यादा कर ले, पहले टेलवेंट को बनाने के लिए CSS की जरूरत पड़ी, और इसके अपने फ्रेमवर्क है। आप खुद देखें यहाँ पे आके, इसके अगर कंपोनेंट देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये चीजें बनाने के लिए आपको कितना सपना पड़ता है। पैथ और फॉर्म फिर गारंटी फॉर डेप्थ रिव्यू फॉर डेप्थ रिव्यू प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट, स्टोर नेवी, इधर आ रहे तो जो जिसके साथ मजे कर सकते हैं टेबल। हम ये देखें। अब ये वाला सेक्शन आपने बनाना हो तो कितनी मगजमारी का काम है, ये वाला। और इसको आगे लो, ये आजकल बहुत फीचर है, कितनी मजे की फीचर बनी है, ये आपकी कमर पर लगनी लगनी है, ये सेक्शन आ गया देखिए। और कितना मतलब डिजिटल उसकी लुक है। उसके अलावा अगर आप चेकआउट फॉर्म देखें, प्रीमियम है, प्रीमियम है तो प्री ये वाला देख लेते हैं। अब आपने चेकआउट फॉर्म भी बनाना ही बनाना, जो कार्ड जब वो खरीदारी कर लेगा तो उसकी समरी बन जाए। इसकी ना जो ओवरऑल लुक एंड अपीयरेंस है ना, वो काफी ग्लॉसी टाइप है, वो बिल्कुल कूल डिजाइन। और इसको वो जरूरत नहीं है कि आप कहीं के जनाब इसके भी इसको करें तो वहाँ देखें उधर चला गया तो ऑटोमेटिक ही होगा। इसको जैसे जैसे आप एक्सपेंड करें ऑटोमेटिक ही होता जाएगा। अब इतना मोबाइल को ना 360 से कम ही मोबाइल होता, 360 विड्थ 360 है मिनिमम, उससे कम भी ले जाएंगे। अभी ये 206 पे चला गया फिर भी रिस्पॉन्सिव नहीं करा गया, यानी आखिरी जो अब तक स्क्रीन है ना वो 360 है। नहीं, मुझे इसकी काफी चीजें बड़ी अच्छी लगी। देखे ना प्रोडक्ट सेक्शन में देखे, ये आपको कितनी फीचर बनाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। बंदा जॉब के लिए जाता है वो मैं रिटेलमेंट आती है नहीं आती है। मैंने तो आपको पहले ही कई दफा कहा, तो फिर इस पे सोचना शुरू कर दे। कितनी को पड़ेगा ये, मतलब जैसे CSS है उसके अंदर क्लासेस वगैरह होती है तो इसके अंदर क्या सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्क करें आपने टेस्ट लिखना, अच्छा मैंने कलर देता है। हाँ बट रिएक्ट में कर सकते हैं ना, ये टेक्स्ट वाइट, अच्छा टेक्स्ट स्लेट। अच्छा उसमें आगे फिर उन्होंने ये उसकी ना ओपेसिटी दे दी है, अगर 300 करेंगे तो इतना डीम होगा, 400 करेंगे तो इतना होगा, 500 करेंगे तो 900 तक चलता है, 900 जाएगी। इस तरह कलर की देखें वेरिएशन है, ऐसी किसी और लाइब्रेरी में नहीं है। शेड्स भी लीनियर इफेक्ट कह सकते हैं, लीनियर ग्रेडियंट इफेक्ट उन्होंने बनाए बनाए दिए। ओवरऑल आप इसके कार्ड्स देखें, जो आप उधर कार्ड्स बनाते हैं हेडिंग स्टाइल, कार्ड को क्या नाम दिया, बॉर्डर आ गया, इफेक्ट आ गया, इधर बॉक्स शैडो, तो अब मैं आया तो मैंने इसको नए कोर्स में ऐड किया। तो याद है पिछले दिनों मैंने एक वो वर्कशॉप दी थी मेटावर्स पे, उसके अंदर मैंने अभी इसको ऐड किया, उसके मैंने रखा हुआ। बल्कि अब जो छः कोर्स के अंदर है ये टेबल नहीं, लेकिन अब मैंने 6 माह में भी ऐड कर दिया। मैंने वो ये निकाल दी एंगुलर वगैरह ना, जो चीज़ें पुरानी होगी ना वो वैसे निकाल दी, उसकी जगह नेक्स्ट JS ऐड कर दी। तो चाल ली, अब जिसने रिएक्ट कर लिया वो पागल है कि जाके .NET सीखेगा नए जीरो से, वो आगे उसी से उसके अंदर ही तरक्की करेगा ना, नया फ्रेमवर्क नेक्स्ट JS React से आगे। बल्कि उससे आगे भी वो GraphQL रीमिक्स की तरफ आ गए लोग ना। टेलवेंड के सेक्शन बड़े मजे मजे के बने, ऐसी चीजें आपको बनाने के लिए अच्छा खासा खपना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर आप यही देखें, ये देखें अब ये वाला उसने अवर हीरो अवर लीडरशिप के बनाया हुआ है,
अब ये बनाने के लिए अपने रिएक्टर का कोड पहले से लिखा हुआ है, आधी चीजें आपको पहले ही आती हैं। एस एम मतलब स्मॉल पी वाई पैडिंग टॉप एंड बॉटम 32 माइनस 32 बी जी वाइट बैकग्राउंड वाइट मार्जिन लेफ्ट एंड राइट ऑटो यानी बूट से तकरीबन 60% बूट से आती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको फिर भी इसको देखना पड़ेगा। सेक्शन बड़े मजे मजे के ये सेक्शन देखे फ्लोटिंग टूल का डिजाइन उन्होंने बनाया होगा, तो इसको अपने तौर पे करना शुरू कर दें, ये कोई मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ किसी दिन आपको इंटीग्रेट करवा दूंगा, एक मिनट में इंटीग्रेट हो जाएगी। आगे तो क्लासें तो आपने याद करनी है ना, क्लासें वही है आप उसकी ये फीचर वेबसाइट आ गई है, इसको पकड़ लें डॉक्यूमेंटेशन को और शुरू कर दें। ये देखिए इंस्टॉलेशन का भी तरीकाकार बताया हुआ है, सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं। लेकिन ये है कि ये कोड सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये कोड इन लाइन करती है, जैसे बूटस्ट्रैप करती है ना, तो आप देखें आपको लहर ना सी ऐसे लिखनी पड़ेगी, इम्पोर्ट नेक्स्ट लाइन के अंदर ही लिखी सारी चीज़ें करते, कोड आपका 10 times रिड्यूस हो जाता है। अच्छा जी ये फैंसी, अब उसके आगे ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ें। मैं इस पर कल एक नई चीज़ देख रहा टेस्ट ओवर इफेक्ट, ये अब देखें इस तरह के आपको टेस्ट गराज तो ये लगाया कल एक, अब देखें इस पर करते हैं ये ऐसा टेस्ट ओवर इफेक्ट वेबसाइट में लगाओ। अब आगे देख रहे इस साइड को देखो, ये देखो आप ऐसा बनाएंगे कितनी सी एस एस लिखनी पड़ेगी, पोजिशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट प्रॉफिट बंदा दे के पागल हो जाएगा, आफ्टर बिफोर सूडो सेलेक्टर ओवर से पहले क्या हो, सिंपल इसका कोड उन्होंने आपको पहले ही दिया, ये देखें इधर हम अरे ये सबसे मजेदार है, ये अब हम कल इस पर ना इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे, इसके सेक्शन देखें हर चीज पे उन्होंने बना के दे दिया, ब्लॉक कार्ड ये कार्ड देखेंगे जो इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं पोस्टों पे लगी होती थी, तो बिल्कुल अब वो नहीं क्या आप उसके अंदर रंग भर दे 15-20 रंग भर दे तो उसको अजीब सा बना रहे। अब वो कहते हैं कि लुक हो डिसेंट, लुक हो ग्लॉसी और डिजिटल इफेक्ट की, तो पता लगे कि वाकई की डिसेंट वेबसाइट बनी है। अब ये नहीं कि आप नीला पीला लाल 4-5 कलर मिक्स करके उसको बना के देंगे, ये को हमने मेले में थोड़ी दिखाने लगता है। किसी का आगे फ्रेमवर्क का ये भी यूज कर डेजी यूआई, ये टेलमेंट का ही आगे फ्रेमवर्क है, ये उससे भी आगे की लेवल की चीज है डेजी यूआई। अब देखें मैंने ये कल इम्प्लीमेंट किया था, मुझे ये डिजाइन कलर का ना ये इफेक्ट पसंद आ गया था, तो मैंने फोन के अंदर एक ये चीज ऐड करनी है, तो इसका आपको पता है लीनियर ग्रेडिएंट उठाने के लिए प्रॉब्लम कोई नहीं, किसी को आप इसका लीनियर ग्रेडिएंट इफेक्ट इधर से उठा दो, इधर इसका लीनियर आपको मिल जाएगा, ये बड़ा है ये, इसको जहां मर्जी लगा लें लग जाएगा। यार मैं भी वो कोड अच्छा वो कॉपी हो गया है, चलो पैटर्न तो ये थोड़ी सी ना चीजें एक्सप्लोर किया करें। अब आप उस स्टेज पे आ गए कि आपको अपनी इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ेगी, देखिए कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है, नो डाउट इस फील्ड में चांग है, लेकिन दौर मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ आपको क्यों वो हायर करेंगे, अगर दो बंदे बैठे दोनों कोई बूट स्टैप आ रही तो वो आपको क्यों हायर करेंगे, आपको बूट स्टैप आती है आपको रिएक्ट आती है, उस बंदे को रिएक्ट भी आती है बूट स्टैप भी आती है टेलमेंट भी आती है, अब वो सीईओ ने एक मिनट भी नहीं सोचेंगे यार ये तो पहले ही ऑलरेडी एडवांस चीजें जा रहा है इस तरह, हालांकि आप दोनों गए फ्रंट एंड के लिए, गए दोनों फ्रंट एंड के लिए फाइंड करके तो आपने लॉजिक से कोड मेरा देखा जा के जल्दी गई जा रहा फाइंड में क्या है आप बता रहे
ये तो बहुत कर रहा है हो गया और आप क्या कर नहीं ऐसे थोड़ा देखो पहले तो डाटा भी तो पोस्ट करो ना बाहर से तो बाहर देखो तो डाटा भी तो बहुत तो डाटा आपको इधर मिल रहा है तो डाटा भी तो भेजो क्या बोल रहे दो ही वैसे तो आप एक चीज भेज के टेस्ट ही करना है ना टेस्ट कर नेम बना हुआ नेम तो सर वो स्टार्ट है आपका आपका तो यही क्रैश हो रहा है सर्वर तो आपका चैनल है कि डाटा बोर्ड कैसे हो रहा Thank you.
वो मेथड सारे रिक्वायर्ड किए होंगे ना, तो सारे देने पड़ेंगे। डेटाबेस में कोई थी ही नहीं, तो ही सारी प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी, अदरवाइज रिक्वायर्ड की है ना। यहाँ पर आकर क्या नेम पे फर्स्ट नेम पे लोग चलो जी, मेरा डाटा काफ़ी पड़े हुए हैं तो डेटाबेस को अब कनेक्ट कर देते हैं इसको CLS NPM स्टार्ट। अच्छा ज़रा पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सुन लें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल सीधी सीधी से है। तो जब आपके पास ये यूजर पे करें क्लिक, तो एक प्री फिल्ड फॉर्म खुल गए जिसके अंदर ये डाटा पहले से टाइप शुदा पड़ा हो, एडिटेबल मोड में खुल गए।
इसको हमने अपडेट करना है। मतलब मैं ये कहता हूँ यहाँ पे अगर मैं कह दूँ यहाँ पे लिखते हैं इजाज लाहौर कर दें इजाज @gmail.com और पासवर्ड एडमिन डाल दें। जब मैं उस बटन पे करूँ क्लिक तो मुझे इसी तरह ये फॉर्म खुला मिलना चाहिए, ये इस तरह। फिर जो चीज़ मैंने एडिट करनी हो सकता है, मैं क्या कहूँ इजाज के साथ मैंने अहमद लिखना है और लाहौर के साथ मैंने इसका पूरा एड्रेस लिखना है जी, फर्ज करें जी मॉडल डाउन लाहौर, और इजाज के साथ भी मैंने इजाज अहमद @gmail कर, मतलब एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करनी। पहले तो ये ओपन करने के लिए जब बटन पे क्लिक करूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो एक नए पेज पे ले जाए वही डाटा प्री फिल्ड मोड में मुझे ओपन हो जाए ये वाला। अब इस सिनेरियो को लिखने के लिए पहले तो एक कदर देखें, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो वो मुझे एक अदर और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जिस पे यही वाला फॉर्म मुझे मिले। आप ये नहीं कर सकते, हो सकता है आपके मन में कोई ऐसी आशा पैदा हो रही हो कि सर किसी हम फॉर्म को यूज़ कर लें, नहीं ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए है और प्लस अगर आप इसी में एडिटेबल मोड में उसको ओपन भी कर लेंगे तो वो एक नई एंट्री कंसिडर होगी, वो पहले वाले डाटा को अपडेट नहीं करेगा। तो ये तो आप जेन से ऐसा अगर कोई वाचपसा जन्म ले रहा है तो निकाल दें। अभी जो काम आप करने लगे हैं इसकी वजह से जरूरत क्या पड़ती है, ये क्लाइंट साइड पर भी नहीं, ये बैक एंड भी होती है प्लस ये भी फ्रंट एंड पे भी होती है। मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने आपको कहा यार वो आप अपना ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन बना के अकाउंट बना दे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करा दो, आप जल्दी में रहते यार एडमिशन की आज आखिरी डेट है, जल्दी जल्दी नाम लिख दिया, फोन नंबर गलत दे दिया, एड्रेस का पता भी गलत हो गया, सेव करके डाटा बेस में स्टोर हो गया। जब आपका एडमिशन हुआ रिजल्ट आने लगा, आपने अगर प्रोफाइल देखी या हो सकता है रिजल्ट आ ही गया हो, वो किसी रॉन्ग पते पे चला गया। जब आप अपनी प्रोफाइल में आज देखा हो कि ये तो गलती होगी, आप क्लाइंट साइड पे यूजर भी इसको कहें यार आपको इतने राइट्स दिए जाते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, पहली मिसाल। दूसरी आप जब जीमेल पे अकाउंट बना लेते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल का नाम बदलते नहीं रहते, आप कहते यार मैंने इमरान नहीं रखना, इमरान की लीव साथ ऐड करना, मैं पासवर्ड यार अब मैं हफ्ते बाद चेंज करना चाहता हूँ, ये लॉजिक। जहाँ भी आपने किसी चीज़ को एडिट करके अपडेट करना है ना, ये दुनिया की हर जगह पे यूज होगी और यही लॉजिक सबसे कॉम्प्लेक्स होती है। पहली जितने भी आपने मेथड पढ़े हैं अभी तक दो API बनी है, एक क्लाइंट साइड पर और एक सर्वर साइड पर। पहले हम सर्वर साइड पर लिखते हैं फिर क्लाइंट साइड पर लिखते हैं, कहानी खत्म। ये वाहिद लॉजिक है जिसके लिए आपको 4 API लिखनी पड़ेगी। पहले सुने, पहली मैं API बैकएंड पे लिखूंगा इस डाटा को गेट करने के, फिर यही वाली API में इंटीग्रेट करूंगा UI को, दो API होगी। फिर जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इस बटन का नाम हम बदल देंगे, इस बटन पे हम लिख देंगे अपडेट डाटा। इस जब बटन पे क्लिक करेंगे वो डाटा 2-3 जगह पे अपडेट हो, क्लाइंट साइड पे भी हो, बैकएंड पे भी हो, डेटाबेस में भी हो। अब फिर उसके लिए पहले बैकएंड पे API लिखनी पड़ेगी अपडेट करने की, और फिर क्लाइंट साइड पे भी वो डाटा UI पे भी अपडेट हो, 4 API बनेंगी। पहला तो सिनेरियो ये है, देखें अभी जैसे आप पहले डाटा गेट करें फॉर्म में लेके आए, देखें ये एक सबसे मुश्किल काम है कि जब मैं क्लिक करूं तो बुरहान वाला डाटा ही एडिटेबल मोड में खुले, जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूं तो यही वाला डाटा इस एक एडिटेबल मोड में ओपन हो जाए, उसको अंदर जो भी मैंने चेंजेस करनी नीचे अपडेट पे क्लिक करूंगा उसको अपडेट करनी ले जी। यहाँ से अब आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, अगर मैंने यूज़ करना ही करना है तो फ्रंट एंड पे आ रहे हैं जिसके अंदर मैंने एडिटेबल फॉर्म खोलना है, अपडेट वाला अभी एडिट अपडेट दोनों ही है, एडिट अपडेट इसको कहते हैं, एडिट और अपडेट करना। देखो एडिट करके अपडेट नहीं करेंगे, अगर मैं फॉर्म में इधर ही लिख के इजाज अपडेट पे क्लिक ही ना करूँ और वापस घर चला नहीं पाएगा, तो डाटा इधर ही पढ़ा ना डाटा भी, इसको क्या पता है, इसको लिहाजा इकट्ठा ही पढ़ते हैं एडिट अपडेट ले। इधर पहले तो कंपोनेंट बना ले, इसको नाम दे देते हैं अपडेट यूजर .js। मैं एक अदर कंपोनेंट बनाने की बजाय हमने इसी तरह का ऑलमोस्ट फॉर्म बनाने हैं तो ये बने बनाए फॉर्म का फायदा ले लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं अपडेट यूजर।
और स्टार में भी दे देते हैं। अब जो इसमें से फालतू चीजें हैं वो उड़ा देते हैं। तो फिर डाल दिए कि स्टेट तो मुझे चाहिए चाहिए, रजिस्टर नहीं मुझे चाहिए, उड़ा देते हैं। चलो पानी अब रजिस्टर की जगह पे लिखते हैं आप अपडेट डाटा, अपडेट फॉर्म, और इसके नीचे एक बटन भी बना होगा, इस पर लिख देते हैं अपडेट, चीजें चलती अपडेट का कंट्रोल एस। और इसके लिए जब आपने कंपोनेंट बना लिया तो हमें एक अदर राउट भी बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं लिख देता हूँ अपडेट, सॉरी यहाँ पे आ जाता हूँ, लिखता हूँ अपडेट यूजर, बन गया कंपोनेंट। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा अपडेट बन चुका है। वैसे ये क्या कह रहा है, रजिस्टर यूजर की नॉट डिफाइंड, वो बटन पे लिखा होना है, वो बटन पे लगे लिखा होना है ना ये वाला। तो इधर हम लिख देते हैं अपडेट यूजर, इसके लिए एक लहरा कल को फंक्शन अभी बना लेंगे, हमें बनाना तो है ही, अभी हम बना के फिर वैसे ही खाली एक फंक्शन डाल देते हैं अपडेट यूजर। ये आपको मेरा लिए सिंपल पहले वाला ही काम है। और इधर दे देते हैं डाटा अपडेटेड, चलो टेंशन नहीं पता, इस पर क्लिक करें, उस फॉर्म पे लेके जाना, जब उस पर क्लिक करूं तो इधर आ जाए अपडेट के टैब पे ये वाला फॉर्म, जब इस पर करूं अपडेट तो डाटा अपडेट हो गया। ये वाला मैंने कंपोनेंट को बना लिया, ये वाला कंपोनेंट बन गया आपके सामने ही बना है और राउट भी बन गया। अब इसमें सेकंड देखें, ये इस फॉर्म पे तो आ गया, चलें इस हद तक तो ठीक है बात, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे वहां पे ले जाए उस फॉर्म पे, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इस पे क्लिक करूं तो मुझे इस पार्ट पे ले जाए, इस पार्ट पे नेविगेशन लगा रहे हैं या लिंक लगा रहे हैं जो मर्जी कर लें, दोनों काम ही चल देंगे। तो रजिस्टर फॉर्म में आते हैं, जब मैं करूं ये तो साइन अप आ गया, यूजर लिस्ट के अंदर जो एडिट का बटन बना हुआ है ये ट्रैश आइकन आ गया, ये इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट लिंक में, मैंने राउट बना, मैंने दूसरे पेज पे नेविगेट कर, तो इसके लिए मुझे इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। जब मैं इस पे करूं क्लिक तो ये टू कहां पे ले जाए मुझे, अपडेट कंट्रोल है, लो इधर है यूजर पे है अपडेट आ गए। अभी सिर्फ मुझे उस पेज पे लेके जा रहा है, चलो कुछ हद तक तो हमने कोई ना कोई तो काम कर लिया है। अभी अपडेट के पेज पे लेके जा रहा है। अब सेकंड प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैंने जिस यूजर पे करूं क्लिक, इस पे क्लिक करूं तो ये पेज तो ओपन हो, साथ मुझे इसकी आईडी भी मिले इसी स्पेसिफिक यूजर की जिस पे मैं क्लिक करूं, जिस पे क्लिक करूं उसी की मुझे कोई ना कोई निशानदेही मिल जाए कि जनाब ये प्लान रिकॉर्ड पे आप जा रहे हैं। तो आप अगर कोई चीज़ डायनामिक करना चाहते हैं तो पहले आप अपने इधर आके इसके अंदर आईडी पास करें, पहले यूज पैरन, तो यूज पैरन दे दिया। अब इस आईडी को मुझे बनाने के लिए यूजर लिस्ट में आ रहे, इसको फिर मुझे कर दें बैक टिक्स में कन्वर्ट, कर्ली ब्रैकेट और बैक टिक्स, यहां तक तो डाटा सेम रहेगा। इसके बाद वाला जो डाटा वो होगा डायनामिक, जिस पे क्लिक करें यू डॉट आई डी, ये वाली आई डी यू वाली ये नहीं आएगी, अंडर स्कोर आई डी, क्यों, क्योंकि डाटा बेस में आप जाके देखें ये अंडर स्कोर आई डी है। मैं जिस पे क्लिक करूं मुझे ये वाली आई डी मिल जाएगी, कहां पे, जब इस पेज पे आऊं तो इधर अपडेट आ जाए, यहाँ पे लिखा आ जाए अपडेट स्लैश ये वाली आईडी आ जाए। पहले तो ये काम करना सीखते हैं, चलें इधर आते हैं, इसको करते हैं क्लिक,
इसको रिफ्रेश करके एक दफ़ा वैसे ही देख लें, इधर इसको साइड पे रखें, क्या हम इसमें कामयाब हुए अभी पता चल जाता है। ये लो इधर है, मैं करता हूँ क्लिक। अच्छा जी इरफान पे क्लिक करते हैं, इसकी आईडी ढूंढनी है इरफान अभी पहले से। ये तो AFF इरफान AFF, मैं रैंडम कर लेता हूँ। ये शहर को चलो इसी को देख लेते हैं, EFF शहर, ये दो शहर ऐड किए, चलो EFF। चलो इस साइड पे तो मेरी टेंशन खत्म हुई, वाला मैंने सक्सेसफुली, मैं जिस रिकॉर्ड को क्लिक कर रहा हूँ उसका मुझे आईडी मिलना स्टार्ट हो गया और ये फॉर्म भी बन गया, ठीक हो गया। लेकिन अब अगला स्टेप ये है कि मैंने फॉर्म के अंदर यहाँ पे उसका डिटेल लिखी आ रही, जो पीछे वाले पेज पे लिखी हुई है, ठीक है ना। जब इस पर क्लिक करूँ अगर ये एडिटेबल मोड में ना मुझे मिले तो मैं अपडेट किस चीज को करूंगा। अब ये सवाल है, इस पे जाने के लिए सबसे पहले अब आपको बैकएंड पे एपीआई लिखनी पड़ेगी। अगर आपने रिकॉर्ड ढूंढना है ना तो सबसे पहले आपको डेटाबेस से रिकॉर्ड निकालना है, जहाँ पे आप पहले उसकी एक एपीआई बनाए, उसको आप लिखें। ये गेट वाला हमें क्या करना है, वैसे इसको उड़ा ही, इसको कर दें। ये उन्होंने करवाया था कल, डिलीट यूजर बाय आईडी, अब उन्होंने अपने तरीके से कराया। चलो क्या लिखा, डॉट डॉट पेरेंट डॉट आई डी, अब आई डी निकाल ली पैरामीटर पे, फाइंड बाय आई डी, फाइंड बाय आई डी चेक करें, अगर ठीक है नॉट फाउंड, अदरवाइज फाइंड बाय आई डी एंड डी। अरे इतना लंबा काम कर दिया, इससे दो लाइनों में काम हो जाना था, कोड लिखना पहले ही हमारे लिए मुश्किल होता है। चलो फिलहाल इसको किसी दिन देख लेंगे, अब आप इसको समझ आ गई तो आप इसी को फॉलो करें। यहाँ पे पहले गेटिंग सिंगल यूजर डाटा ऑन द बेसिस ऑफ आईडी फ्रॉम डाटा से, या मोबाइल डिजिटल जिस पे क्लिक करूँ, अब पता है सिनेरियो क्या होगा, एक आईडी मुझे मिलेगी क्लाइंट साइड से जिस पर यूजर बटन पे क्लिक करेगा, वो मुझे यूआरएल के पैरामीटर में मिल रही है, जिस पे वो क्लिक करेगा वो मैं आईडी पकड़ के डेटाबेस में ढूंढना शुरू कर दूंगा, जहां पे वो आईडी मैच कर देगी वो रिकॉर्ड में दिख सकती, सिंपल। उस रिकॉर्ड का क्या करना है वो बाद में देखते हैं, पहले तो ये सिनेरियो कि इस बटन पे जब करेगा वो क्लिक, ये आईडी पकड़ूंगा मैं और डेटाबेस में आकर ढूंढूंगा कि ये आईडी कौन सी है, क्योंकि आईडी भी यूनिक है। अगर आईडी जिस जगह पे मैच कर दे वो वाला ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, वो वाला ऑब्जेक्ट उठा के मैं इस क्लाइंट साइड पे इस फॉर्म के अंदर पेस्ट कर। अभी पहले बैकग्राउंड का देख लेंगे वो ढूंढना कैसे है, इधर आ जाए। यहाँ पे आप जब डेटा गेट करना है ना तो इसका गेट ही आएगा, आप डेटा निकाल रहे हैं ना डेटाबेस से भी निकाल रहे हैं, वो लहगा बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ आईडी निकाल रहे हैं, अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका राउट आएगा एफ डॉट गेट, इस पे आप कोई भी राउट बना लें। मैंने आपको बताया था राउट सेम नाम से, अगर मेथड सेम है तो सेम नाम ही दे सकते हो, अगर मेथड डिफरेंट है तो नाम सेम दे सकते हैं, मतलब ये मैं आप यूजर डाटा नहीं कर सकता। अगर इसकी बजाय पोस्ट होता या डिलीट होता तो मैं ये नाम यूज कर सकता। चलो मैं इसको फिलहाल लिखता हूँ गेट और लिख देता हूँ ऊपर क्या लिखता है, फाइंड यूजर कर लें, चलें ये भी ठीक है, फाइंड यूजर, ये वही दो चीज़ें दें यहाँ पे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और एक एरो फंक्शन दे दें, ये हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें नया ये है कि हमें ये सारा नहीं डाटा चाहिए, हमें चाहिए आईडी की बेस पे, तो हमें इसके राउट को भी डायनामिक बनाना पड़ेगा, जिस पे उधर पैरामीटर से जो आईडी मिलेगी वो आईडी मैं इस पैरामीटर में एक्सेस कर लूँगा। एक्सेस करने का क्या तरीका है आपके पास, अगर मुझे ये वाली आईडी चाहिए, क्या पढ़ाया था आपको,
कैसे आईडी यार, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बार ये देखो यहाँ पे, अगर मैं कह दूँ मैं लिखता हूँ लेट आईडी, और अगर कर दूँ रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, और यही वाली आईडी मैं रिस्पॉन्स के हवाले कर दूँ वेल आईडी, तो क्या आईडी मुझे मिल रही है? पहले तो ये चेक करूँ। अभी पहले हम जर्नल जर्नल देखते हैं। अच्छा, ये स्पेसिफिक आईडी ही निकालता है। अगर आप रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी करते हैं ना, तो आईडी निकालता है। मैं वैसे इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, आप करना चाहें तो कर लें, प्रोफेशनल ये अप्रोच अच्छी नहीं है। अब अगर कल को आपको वो बंदा कह रहे यार नाम की बेस पे निकाल के ले जाए रिकॉर्ड या ई मेल की बेस पे निकाल, आप फिर आएंगे कोड के अंदर चेंजेस करेंगे, तो उसकी बजाय आप सारे पैरामीटर क्यों नहीं दे देते? जो वो पैरामीटर भेजे उसकी बुनियाद पर डाटा ढूंढने, तो लॉजिक तो हमने लगानी है ना। ये स्पेसिफिक सिर्फ आईडी ही देगा। मैं कहता हूँ जितने भी पैरामीटर, जो वट एवर पैरामीटर, पास ऑन यूआरएल, जो इस बटन पे मुझे जो भी पैरामीटर मिले, हो सकता है कल को मुझे ईमेल के थ्रू यहाँ पे imran@gmail.com पास करना पड़े, ये भी पॉसिबल है। मैं कहता हूँ कि यार मुझे जितने लोग लाहौर में रहते हैं वो ढूंढ के दो, और फिर मैं आऊँगा फिर नीचे गेट की नई API लिखूंगा। उसका बेहतर आलम वाला मैं एज ए डेवलपर रिक्वेस्ट डॉट पैरम सारे ही ले लेता। मैंने आपको फर्क इसलिए समझाया है कि आपको पता होना चाहिए, लें ठीक है, राउट बन गया है, एप डॉट गेट है, लो इसको फाइंड करते हैं हम किधर आ गए। पहले तो हमारा पोस्टमैन ही नहीं खुला होगा, लेकिन ना यही कोड मैं अगर करता हूँ, मैंने दो लाइनों में कर दिया। पहले कोड शॉर्ट करें, उसको बढ़ाना बढ़ाते जाएं, फिर आपको लॉजिक की फिर समझ आएगी। पहले सीधा सीधा रास्ता सीखें, और अगर मैं पहले दिन फोल्डर स्ट्रक्चर पे आपको करवाना स्टार्ट कर देता तो अब तक आपको ना गेट की समझ आएंगी ना कोड की समझ आएंगी, अब तक आपने उधर फोल्डर स्ट्रक्चर में घूम रहे होना था। ये 5000 है, यही है, गेट करें। और यहाँ पे मैं फिलहाल आईडी अपनी मर्जी से, पहले तो हम राउट लेते हैं ये वाला फाइंड यूजर कॉपी, और ये पास कर दिया यहाँ पे, और इधर गेट किया। मैं फिलहाल एम ए कोई आईडी दे दूँ 333, मैं रिक्वेस्ट हिट करके देखता हूँ। अगर तो ये आईडी मुझे रिस्पॉन्स में मिल गई तो फिर मैं अपनी लॉजिक लिख लूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने कुछ जर्नल आईडी पास करके देखी, क्या ये आईडी मुझे यहाँ पे मिलती है रिस्पॉन्स में? ये मैंने अपने तौर पे कोई रैंडम आईडी डाल के देखी। अब वो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स में गया, उसने देखा कि क्या आईडी जो ये यूजर भेज रहा है उसमें डाटा मौजूद है, लेकिन ये सारे पैरामीटर में से मुझे ढूंढ के दे रहा है। कल को मैं अगर नाम भी भेजूंगा तो वो नाम भी दे देगा, फिर यहाँ पे मैं नाम प्रिंट करवा दूंगा। अगर मैंने नाम प्रिंट करवाना मिसाल है, ऊपर वाली आईडी को मैं अगर इग्नोर करता और यहाँ पे मैं नाम अगर भेज चेक करता, इसको मैं नाम भी भेजूंगा और नाम भी दे देगा इमरान, इसका ये फायदा। अगर आप वो स्पेसिफिक आईडी वाला काम करते हैं ना, वो मसला खराब करेगा, मतलब काम तो उससे भी ठीक हो जाएगा आपका, वो फिर स्पेसिफिक रहेगा ही आईडी की हद तक। ऑब्जेक्ट है ना आपके डिस्ट्रक्चरिंग का, मेरे ख्याल में अब इस स्टेज पे कोई मसला नहीं होने के लिए कि और रिक्वायर डॉट पैराम जोड़ आईडी ही क्यों कर रहा है, क्योंकि पैरामीटर में से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको इधर भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये है। इसका मतलब यही है, इस लाइन का और ऊपर वाली लाइन का मतलब सेम है। आप उधर ना लिखें, उसमें से मैंने डिस्ट्रक्चर कर ली, लें जी इसको उड़ा देते हैं और शॉर्ट करते हैं। अब अगर मुझे आईडी मिल गई है तो अब मैं सेफली अपनी लॉजिक लिख सकता हूँ। क्या मुझे पेरेंट्स में मिल रही थी आईडी? ओके, मैं करता हूँ मेरा डाटा कहाँ पे पड़ा है, यूजर के अंदर, यूजर डॉट फाइंड वन। फाइंड वन का मेथड होता है कि मुझे वन बाय वन रिकॉर्ड सर्च करना, कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना है जो मेरी डेटा पे आईडी पड़ी हुई है,
और जो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स के थ्रू मुझे आईडी मिल जाएगी, ये वाला काम मैं काम इधर भी कर सकता, लंबा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आप पेरेंट्स से आप आईडी ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ये फाइंड बाय आईडी डिलीट बाय आईडी की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे आप कर सकते थे डिलीट वन, जिस रिकॉर्ड पे क्लिक करनी थी उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड ही वही डिलीट करेगा, और ये वाला कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कोड करके आपका काम जान छूट जाएंगे, चले अच्छी बात है, आपको जरा थोड़ी सी आदत पड़े काम करने की। ये बस ये मैं आपको उड़ा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, तो मसला ही सॉल्व हो जाए। इसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट, इसको अवेट बना दें और इसको एजेंट बना दें, और रिकॉर्ड आपका हो गया खत्म। जो मैं आई डी भेजूँ वही सेंड कर देता, इतना कोड कल मैं डिलीट में भी इतना ही लिखना था। एक्चुअल में इसकी जगह फाइंड वन की जगह आ जाना था डिलीट वन बाय वन रिकॉर्ड। ये मोंगो डीबी तो मैंने आपको कहा था कि घर जाके सैटरडे संडे एक दिन आप इम्पोरियम ना जाएं, एक दिन ये मोंगो डीबी के मेथड पढ़ लें, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आप इस अकेडमी के बहाने आपको घूमने फिर, तो आप मोंगो डीबी पे तोजो नहीं देते और घूमते फिरते रहते, चले आपका ही नुकसान है। ये लो अब एक और काम करते, अब रियल आईडी पकड़ते हैं डेटाबेस, ये मैं भेजता हूँ उसको कॉपी, ये किसकी है पैरा, चलो इसको यहाँ पे मैं आईडी को पेस्ट करता हूँ, इधर भेजी सेंड करो, आ गया उसका रिकॉर्ड, उसी का रिकॉर्ड आ गया। आप जाएं यहाँ पे सलीम, ये आईडी भेजते हैं कॉपी, इधर भेजें पेस्ट सलीम बराबर, यही वाला काम करेंगे। अब ये वाला डाटा उठा के मैंने उस फॉर्म में पेस्ट कर दिया, यहाँ तक डाउट है तो पूछा फ्रंट एंड वाली साइड पे आने लगा हूँ, ये बैक एंड की एपीआई लिखी गई है, मैं इससे शॉर्ट फिलहाल और नहीं कर सकते अभी, वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। ये तो कल आपको उन्होंने समझा भी दिया होना है कि ये डायनामिक आ रहा है, तो जो पैरामीटर मुझे आईडी मिल रही है ये डेटाबेस की आईडी है, ये जो पैरामीटर के थ्रू आईडी आएगी जहां पे वो मैच कर दे वो रिकॉर्ड मुझे दे दे सिंपल। और अब जाके मैं क्लाइंट साइड पे जाता हूँ, तो क्लाइंट साइड पे हमने करना क्या है जी, इधर आ रहे हैं, इस जगह पे तो हमें कुछ नहीं अब करना, रजिस्टर की भी जरूरत नहीं है, ऐप की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, ओके इधर अब मसला आएगा अपडेट को, चलो लिखा रहने दे, पहले मैंने डाटा गेट करना है, जो मेरा डाटा पड़ा हुआ ना सिंगल रिकॉर्ड का, मैंने वो वाला डाटा गेट करना है इन द बेसिस ऑफ आईडी, ओके। वो वाला काम करने के लिए हम पहले लिखते हैं कॉमन से फंक्शन बना लेते हैं गेट सिंगल यूजर, इधर आए एक एरो बना लें एरो फंक्शन, ये लें तो उसकी एपीआई इधर से उठा लेते हैं, ये वाला मेथड इसका कॉपी, और यहाँ पर लिख दें कैच, अच्छा ये वाला जो आईडी है ना ये हमें चाहिए डायनामिक आईडी, क्योंकि जिस पे क्लिक करे वो वाली आईडी पास करनी है, यहाँ पे वो आईडी हम कैसे निकालेंगे, रिएक्ट प्रॉपर डॉम में आपने पढ़ा होगा यूज पैरामीटर, आईडी निकालने के लिए पैरामीटर थे ब्राउजर के पैरामीटर में से जब आईडी डालनी है तो यूज पैरम्स का मेथड आप यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से एक वेरिएबल बनाता हूँ पैरम्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज पैरम्स, ये अनपैक हो गया, और इसको मैं बैकटिक्स में लिख देता हूँ सारे को, क्योंकि मुझे आईडी डायनामिक बनानी है, तो मैं इसको जाके पहले तो बैकटिक्स में बनाता हूँ और इसको ख़त्म करके डॉलर साइन देता हूँ कर्ली ब्रैकेट पैरम्स डॉट पैरामीटर में जो आईडी आ रही है वो मुझे दे दो, इतना ही काम था, इसको एसिंक का वेट बना दें, एसिंक वेट बना दें, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लें रिजल्ट के अंदर, इसी रिजल्ट को पकड़ के आप यार ये इतना बड़ा व्यू कर दिया कि दो लाइनों में आ रहा है।
अब जो रिजल्ट आया है इसको जेसन में कन्वर्ट कर दें, रिजल्ट और जेसन, इसको भी अवेट बना दें। पहले रिकॉर्ड चेक कर ले, कंट्रोल डॉट लॉग में आपको मिल जा रहा है क्या, कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। और जिस पे क्लिक करें क्या वही वाला मिलता है, अगर ये वाला फंक्शन कॉल करना है तो हम यूज इफेक्ट भी बना लेते हैं, जैसे ही पेज लोड हो तो वो आज खुद ही हो जाए। यहाँ पे यूज इफेक्ट बना के एक मैं कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूँ और इसके अंदर ये वाला फंक्शन भेज देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एक डिपेंडेंसी लोड। ये वाला मसला भी सॉल्व हो गया मेरे ख्याल में, तो काम काफ़ी ज़्यादा हो गया, चेक कर लेते ठीक हो गया। ओके ओके ठीक है, लो जी चेक करते हैं यहाँ पर, इधर वापस आ रहे हैं, इधर वापस आ रहे हैं, यूजर लो इस पर क्लिक करते हैं, कोई यहाँ पे उठा लेते हैं सलीम, क्लिक करें और इधर कंसोल पे जाएं, ये कौन सा कंसोल है, इंस्पेक्ट कंसोल, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है यार, ये ब्राउजर बड़ा तीन पर काम करता है अक्सर, और फ्री में जो है ना मसला खराब होता है। इसको मैं ऐसा करता हूँ लोकल और फ्री दो रन भी हो जाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, अज पे जाते हैं, कोई बात नहीं, समझ आनी चाहिए ब्राउजर की खैर, समझ आनी चाहिए। यूजर पे क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करके इधर पहले ही ओपन कर लेते हैं, अभी खाली है, जैसे ही मैं इस पर करूँ क्लिक, बुरहान पे करते हैं एडिट, उसका डाटा आ गया। एक चीज याद रखें, मेरा ध्यान तलब है जी, ये डाटा किस फॉर्म में मिल रहा है आपको, ऑब्जेक्ट की फॉर्म, ये चीज जेन में रख रही है तो अगली चीज आपको वैसे ही समझ आएगी। ये डाटा आपको मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, इसको मैं इधर कहीं ना कहीं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये इसको कमेंट कर देता। अच्छा, अगर मैंने इसमें से ये नेम निकाल लें तो क्या करेंगे, फर्ज करें इसका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं, इसका नाम है इस वक्त रिजल्ट, रिजल्ट ही है ना इसका नाम, अगर मैंने रिजल्ट में से नाम निकाल लें तो क्या करेंगे, रिजल्ट और नेम, और अगर कोई और चीज़ निकालनी है तो रिजल्ट डॉट एड्रेस, रिजल्ट डॉट ई मेल, कोई मसला है इसमें, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला ऑब्जेक्ट में से कोई चीज़ निकालनी है तो डॉट के साथ निकाल सकते हैं, मेरा पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है, रिजल्ट में। अगर मैं यही वाला काम करूँ, मैं नेम के अंदर अगर प्रॉपर्टी ही ये वाली पास कर दूँ, मैं करूँ सेट नेम कर दो, सेट नेम करो और उसके अंदर आप पास कर दो रिजल्ट डॉट नेम, वो तो फिर कर सकते हैं ना, वो मैं तो अब जो कि पैटर्न ही हमारा सारा चल रहा है उसी पैटर्न पे करवा, वो मैंने टाइम बचाया ना, बनी नहीं है। ओके जी, अब देखते हैं मैंने नेम पास किया तो क्या नेम यहाँ पे आएगा, अभी आना नहीं वैसे इसको चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो हमारी लाज कर, चले मैं करता हूँ सलीम पे क्लिक, नहीं है इसको आना भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको इंटीग्रेट उसके साथ करवाने के लिए आपको उसका यहाँ पे सेकंड एट्रीब्यूट होता है, आपको उसकी देनी पड़ेगी वैल्यू, वैल्यू के अंदर सब के अंदर दे दें एड्रेस और इसके अलावा ईमेल है, और इसके अलावा पासवर्ड। ओके, अब मेरे ख्याल है अब तो उसको दे ही देना चाहिए, अब कोई अब हम नहीं बचा, अब उसको दे ही देना चाहिए, जो भी आप चलें, अब हम वन बाय वन करते हैं, बुरहान को क्लिक करते हैं, बुरहान आ गया, अभी मैंने सिर्फ नेम पास किया है ना, इधर आए ये नाम आ गया, इधर आए ये वाला नाम आ गया, देखिए जिस पे क्लिक करें आप दो तीन नाम और ऐड कर, साक्षर टिकवाल, चल जान नए नए सिटी बड़ा करते हैं, साक्षर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, एडम साइन अप, एक और बना लेते हैं और एड्रेस उसका कर देते हैं
रहेंगे आगे आगे @gmail.com। तो शाह का नाम आता है क्या? नहीं शाह है शाह क्यों ऐसे अभी क्या नाम रखा हुआ है? तो बस बार भी शाह दे के नाम आप बढ़ता है आप सिंपल ऐड दे दो मैंने अपना नाम इसका आपसे बदल के अभी रख हुआ है लिहाजा मुझे आइंदा इसी नाम से लिखा और पुकारा है अखबारों में ऐसे फिर ऐड देना पड़ता है आपको एडमिन तो गवर्नमेंट करते रहे ना इस तरह के केस आते थे तो मेरा नाम नादरा भी नाम और लिखा हुआ है मैटर भी और लिखा हुआ है वो ऐसे हो जाता है मतलब बचपन में आप ध्यान नहीं करते हो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी होती है तो वो अजीबोगरीब ही कॉन्ट्राडिक्शन आता है यूनियन काउंसिल में नाम और होता है नादरा के रिकॉर्ड में और है बोर्ड के पास है अजीब ही खिचड़ी पकड़ी होती है और इस तरह के कई MP MLA के हमारे यानी बड़े हाई लेवल के केस बने हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने इसी नाम का फायदा उठाते हुए एक डिग्री कराची से ली हुई है कोई सरगोडा से ली है गुजरावाला से ली हुई है जहाँ जो नाम मैच कर फर्ज करो मेरा नाम इमरान है असल पूरा नाम तो इमरान से मिल गया और मुझे इमरान नाम की तो डिग्री इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मिल गई वो रजिस्ट्रेशन पर आगे नाम पढ़ना तो है कोई वो डिग्री बनवा दी और फिर जब आप किसी गवर्नमेंट अदारे में जाते हैं या किसी अच्छी पोस्ट पर वेरिफिकेशन होती है तो फिर इस तरह के मसले आते हैं नहीं जी इधर आए आप मैं आगे तो अपडेट करता हूँ आगे अब अगर एक प्रॉपर्टी मैंने ले ली है तो बाकी प्रॉपर्टी को लेना मेरे लिए कोई मसला नहीं रहा यही वाला काम करते हैं इसमें से मैं नेम के साथ में निकाल लेता हूँ एड्रेस पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड और इधर भी इनको उसी प्रॉपर्टी में सेट कर दूँ एड्रेस ईमेल अब चारों की चारों प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी टेंशन नहीं करते इधर हैं बुरहान को करें इसका नाम पार्ट नहीं साहिवाल बुरहान एडमिन बुरहान साहिवाल एडमिन आप अब तो नया नाम भी ऐड करेंगे तो वो भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे मैं कह देता हूँ सरफराज तो फिर कर दें सरफराज @gmail.com ABC1 अब इसको भी अगर आप याद करेंगे तो ये नहीं कि इसको लॉजिक अप्लाई नहीं होगी लॉजिक तो है ना जो आने वाला रिकॉर्ड है उस पर भी हो जो मौजूद है उस पर भी हो अब आप जब इस पे करेंगे क्लिक इसको आपने कल करना है आप आपकी आज 2 API होगी इसको ज़रा हजम करें क्योंकि एक नई चीज़ है कोडिंग के अंदर हमेशा ही नई नई चीज़ें आती हैं आपको इस तरह वास्ता पड़ता रहेगा कल हमने पहले बैकएंड पे इसकी API लिखेंगे कल है आगे क्या करेंगे संडे को बुकिंग बहुत हार होती है संडे को तो घर वाले भी लड़ते हैं मैं सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ और रात 10 बजे आती हूँ अब जो इतना मैं नॉर्मल डेज में अर्निंग नहीं होती थी मैं सैटरडे संडे में होती और ज़्यादा मैं क्लासें नहीं पढ़ाता 101 कस्टम सेशन पढ़ाती मतलब कोई एक स्टूडेंट आ गया उसने कहा जी मुझे पैसों की टेंशन तो ही मैंने ट्रेनिंग कराती ले और वो सिर्फ एक स्टूडेंट अगर आप पढ़ता है ना तो उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और होता है मैंने ध्यान ही उसी पर देना उसने सवाल पूछा फौरन टास्क कराया फौरन ये काम करेंगे 15 मिनट पढ़ाया चलो जी ये सब और उसमें हमें भी फायदा होता है एक को हैंडल करना और जो लर्निंग करने वाला होता है उसकी स्पीड फास्ट होती है ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या जिनके अपने सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं या आप कज़न चाहतेगा जिन्हें सॉफ्टवेयर हाउस मानी तो मुझे कोडिंग पे ग्रीप अच्छी होनी चाहिए हाँ जी किससे मिलेगी अगर मैंने उसको कहा था इसको ग्रुप से निकाल दें वो दोनों ही और सर मैच ना ले पता कर लें पिछले हफ्ते से ना पता है पिछले बहुत दिन से ला कर अब तो बाद में ही क्या देना पड़ेगा हाँ कि ये 3-2 स्टूडेंट आए हुए जहाँ मिले एक ही सेंटर पर चला रहे हैं अब वहाँ से ले लेंगे नाम जा रहे यहाँ पे थोड़े से ना आप तो अपने तौर पे काम को थोड़ा सा नीड करें इसमें भी थोड़े से ना टोस्टर वगैरह भी लगाया करें वो आप अपने तौर पे यहाँ पे जब आपने रजिस्टर किया था ना
ये खुद चीजें ऐड करेंगे, मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें आपको करवाई जाए। आप ये आप गूगल पे खोलेंगे तो आपको इसका डाटा मिल भी जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी रिएक्ट हॉट तो एक अगर खाली टोस्ट लगाते हैं तो वो बार बार एरर कर, उसकी बजाय ये आप रिएक्ट हॉट टोस्ट लगाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहता है स्वाद आते हैं। ये होते हैं जरा ब्यूटीफुल अलर्ट्स आते हैं आजकल, ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन करते हैं तो ऊपर एक छोटा सा मैसेज आ जाता है कि यार ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये अपडेट हो चुकी है, सिंपल इसको इंस्टॉल करें। ये देखें एनपीएम इंस्टॉल कर लो सुबह सुबह। हेलो हेलो जी TST हाँ उसमें आप चाहे तो चार कर रहे हैं चाहे तो एक पढ़ा रहे, वो डिपेंड करता है फीचर पे, तो उसको सारा आता है। जल्दी अच्छा आपका भी कॉल आप कर सकते हैं मल्टीपल, पहली बात तो उसमें सी लैंग्वेज करवा, वो बेसिकली है सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट। लो जी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है, TSS से एडवांस, TSS की ही आगे लाइब्रेरी SASS और SCSS, SASS और SCSS ये दो चीजें हर CSS कर ले आपको सारी चीजें बोल दिया है। CSS सही आनी चाहिए, तो आपको CSS अगर परफेक्ट आती है ना तो आप दुनिया की जो मर्जी UI की लाइब्रेरी पहले ले लेकिन इन्होंने इसको कहा यूज कैसे करना है। ओके ऐसे इसको पहले कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लें, इसका तरीका का हम देख रहे हैं। हाँ ये लिखा दो बार कॉपी करें इधर घर में पेस्ट, और इसके अलावा एक कंपोनेंट बना दें जहाँ पे बटन है उसके साथ बटन पे क्लिक करें तो एक टोस्टर बन जाए। ओके बटन पे क्लिक करें कहाँ पे कर रहे हैं ये कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो ये मतलब हो जाएगा अगर आप हम इसको डे में रख लेते कंपोनेंट ही बनाना। अब जब डाटा अलर्ट डिलीटेड सक्सेसफुली कैसे करना, ये उन्होंने लिखवाया था डिलीटेड ये करने नहीं करवाया, हम सेव पे लगा रहे हैं तो इधर हम जब रिजल्ट हो जाए फिर इधर हम कर सकते हैं एक और भी पास तो
टोस्टर डॉट टोस्ट, तो उसको भी फिर इधर पास करें तो ये लो, इधर लिख रहा हूँ डाटा सेव सक्सेस, कंट्रोल एस, देखें क्या बन, इधर आ जाए तो वो तो कहता है पहले बोर्ड डबल डबल कर रहे हैं ना, ये देखना डबल डबल हो गया, लो एक ही हो गया, अब यही हो गया, तो सर इज नॉट ए फंक्शन, ओके लॉल, तो सर अगर फंक्शन नहीं है तो हम नहीं यूज करते, बोल आप ठीक है, अब इसको सुन आ गया लॉल ठीक हो गया, इस पर करते हैं डाटा सेव फॉर व्हील में तो कराची फॉर व्हील gmail.com जब करें साइन अप पे क्लिक, ये डाटा सेव कुछ है इस तरह के टोस्टर लगा के अगर आप एप्लीकेशन को ब्यूटीफुल बना सकते हो, हाँ नहीं पर बताएं बताएं जल्दी बताएं, मैंने सोच रहा था तो अगर बाय चांस जो इस पे हम बगैर डाटा एंटर किए करते हैं ना तो तो सर आप उसको खाली करने की इजाज़त भी दे रहे हैं, आप इस पर वैलिडेशन पहले लगानी, जब ये आप डाटा स्टोर कर रहे हैं ना इधर, आप उसको अलर्ट दें अगर तो वो डाटा है ही नहीं, आप ये क्या करें गेट कर रहे हैं तो उसका भी बना होगा, ये देखो जब भी आप डाटा पोस्ट कर रहे हैं ना इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में ले दें कि अगर तो कोई भी प्रॉपर्टी ना हो तो वो आगे वो एडिंग करने ही ना दे, जाने ही ना दे, मतलब आप इधर ही फर्ज करो इधर ही लॉजिक लगा सकते हैं, इधर ही उसको रोक सकते हैं, इफ नॉट नेम तो आप यहाँ पे कर दो, एक एरर बना दो, एरर का एक और फिर मैंने आपको ये समझाया भी था, यहाँ पे एरर बना लो, सेट एरर बना दो, वो आगे जाने क्यों देना है उसको भाई, तो जब इधर से ही नहीं जाएगा तो वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी, अगर नाम ही ना हो तो सेट एरर ट्रू कर दे, इनिशियली उसको फॉल्स कर दे, और अगर तो ये नहीं मसला तो उसको रिटर्न फॉल्स कर दे, चलो कंट्रोल है इस पे आ जाए, जाने ही नहीं डाटा में भी जाए आगे, वो नीचे एरर क्रिएट कर देना जो रिकॉर्ड उसमें पड़े हैं सिर्फ वही होंगे, इधर आप फिर उसके लिए मैंने आपको ये इसका तरीकाकार भी वो बताया था कि नीचे आप कस्टम एरर बना लें, तो वो आप उसको जब तक वो ऐड ही ना हो तो आप उसको आगे जाने की इजाजत ही ना दें, हेलो
आप जो है नल वैल्यू MongoDB में स्टोर करने की इजाजत नहीं दे ना, आठ नंबर नल पड़ा है ना कभी छोटे छोटे नल, नल एंट्री नहीं होता, नल यह कि आपने खाली देना है, आप नल वैल्यू एक्सेप्ट ना कर, ये MongoDB पे भी आप रख सकते हैं जब आप स्कीमा बनाते, कई पैरामीटर हैं आपके पास, कई स्टेजी बने, कई आपके पास स्टेजी बने जिसको आप वन बाय वन उसको काउंटर कर सकते हैं। ये कोड एक दफा भेज दूँ इससे पहले कि हम इसी पेपर में रह जाए, ताकि प्रैक्टिस कर लें, एक आध काम रह गया अब इसको मैंने आखिरी API लिख के फिर जरा हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेगा। हाँ ये जरा एक दफा आपको आदत हो जाएगी ना तो काम करने। फिर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ करेंगे और उसके साथ पासवर्ड को हैक करना सीखेंगे, उसको वो डिक्रिप्शन किए करेंगे, मतलब उसको अनआइडेंटिफाइड फॉर्म में ले लेंगे तो डिकोड ना किया जा सके। पासवर्ड तो है नेविगेशन के, ये हो सकता है कि आप नेविगेट करा रहे हो तब कुछ किसी को नेविगेट के दौरान कोई ऐसा प्रोसेस करना पड़ रहा है। ये आपको फिर 1,00,000 और 10 साल पागल है इतना वेट करे बंदा। आप गूगल क्लास में मेरा लाना स्टार्ट हो गया, आप देख लिया करें
ओके स्टूडेंट।